हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन इकाइनोडर्मेटा। यह MSc फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इन वर्टिब्रेट का टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग इसमें सिनॉप्सिस देखते हैं। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, लोकोमोशन, हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट, हिस्टोरिकल, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा, कैरेक्टर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा, हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन इकाइनोडर्मेटा, कंक्लूजन और लास्ट में है रिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। आप लोग प्लीज़ बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आने वाले ऑर्गेनिज्म को उनके स्पाइनी स्किन के कारण ग्रीक लैंग्वेज में इकाइनोस कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है स्पाइनी, एंड डर्मोस यानी मीनिंग होता है उसका स्किन, इसी से इसको लिया गया है। और यह फाइलम समथिंग 7000 वर्णित लिविंग स्पीसीज का एक कलेक्शन है। इकाइनोडर्मेटा आर एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होते हैं। इकाइनोडर्मेटा सी के गहराई के साथ साथ अंतः ज्वारीय एरियाज में भी पाए जाते हैं। इकाइनोडर्म में मौजूद जल संवहनी तंत्र गैसीय विनिमय पोषक तत्वों के संचलन और अपशिष्ट उन्मूलन के जिम्मेदार हैं। एग्जाम्पल आर इकाइनोडर्म्स, तो सी स्टार है इसका एग्जाम्पल, सी कुकुम्बर्स है और सी अर्चिन्स है। सैंड डॉलर एंड बिटल स्टार्स भी इसके एग्जाम्पल में आते हैं। डेफिनेशन देखेंगे। जब कोई एक्वेटिक एनिमल वाटर के थ्रू मूवमेंट करता है तो इसे हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे लोकोमोशन। लोकोमोशन जंतुओं का मुख्य लक्षण है। जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करना लोकोमोशन कहलाता है। जैसे रेंगना, दौड़ना, चलना जैसे कार्य शामिल हैं इसमें। उसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट। वे गतियाँ जो जलीय जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न लोकोमेट्री ऑर्गन चलन अंग द्वारा ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट प्रदान करती है, उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब थर्ड देखेंगे हिस्टोरिकल। इकाइनोडर्मेटा की डेफिनेशन हाइमन ने 1955 ईस्वी में इस प्रकार दी है। यह आंत गुहा युक्त पंच अरीय सम्मित देह वाला प्राणी स्लोमेट एनिमल है। इसका उत्थान शीर्षहीन द्विपार्श्विक बाइलेटरल सम्मिति ऑर्गेनिज्म से हुआ है तथा इसमें जल संवहनी तंत्र है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को 5 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला है एस्टोरिडिया, सेकेंड है ओपियूरिडिया, थर्ड है इकाइनोआइडिया, फिर है होलोथोराइडिया, फिर है क्राइनोडिया। सबसे पहले देखेंगे एस्टोरिडिया। उनके पास एक चपटा तारे के आकार का बॉडी है जिसमें 5 आर्म है। एस्टोरिडिया को हम लोग स्टार फिश भी बोलते हैं ना। उनके ट्यूब फीट चूसने वाले के साथ हैं। वे पेप्ली के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। बॉडी में कैल्शियम युक्त प्लेटें और जंगम रीढ़ होती है। इसका एग्जाम्पल है एस्ट्रॉइस और जोरा स्टार ना। उसके बाद देखेंगे ओफियूरिडिया। उनके बॉडी पंचामृत डिस्क के साथ फ्लैट होते हैं, ट्यूब फिट चूसने वालों में रहित होते हैं। ये बोर्स के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं। ये लंबी भुजाओं को कंट्रोल डिस्क से सीमांकित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ओपिडर्मा और एम्प्यूरिया, फिर है इकाइनोडिया। बॉडी हेमी स्पाइरल गोलार्ध है,
ट्यूब फीट में सुकर्स लगे होते हैं, बॉडी के हाथ नहीं है। एग्जाम्पल है इसका इकाइनस और सिडेरिस। सिरा होलोथ्यूरिडिया, बॉडी लॉन्ग और सिलिंड्रिकल है, हाथ मेरुदंड और पेडिकुलरी एब्सेंट होता है। ये क्लोकल के थ्रू रिस्पायर करते हैं, उनके पास सोचने वाले ट्यूब फीट हैं। एग्जाम्पल है इसका कुकुमेरिया और होलोथ्यूरिडिया। फिर है क्रैनोआइडिया, बॉडी स्टार के शेप्ड का है, ट्यूब फैट में कोई चूसने वाला नहीं होता है, आर्म्स बाइफर्केटेड है, रीड और पेडी क्लेरिया एब्सेंट है। इसका एग्जांपल है निमेटेरा और एंटेडॉन। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेटा, इनका रूप एक तारे जैसा होता है और ये गोलाकार या लंबी होती है। वे एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल हैं, जीव शाइनी स्किन वाले होते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं का बॉडी अनसेगमेंटेड होता है। यह ऑर्गेनिज्म मांसाहारी प्रकृति के होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को भक्षण करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में रेस्पायरेशन गिल ट्यूब श्वसन वृद्ध और वर्षी जैसी संरचनाओं के द्वारा होता है। इन जंतुओं का नर्वस सिस्टम अल्प विकसित होता है, इनमें मस्तिष्क अनुपस्थित, परिमुखीय रिंग और अरीय तंत्रिकाएँ पाई जाती है। इनमें पुनर्जनन की शक्ति होती है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। द मेड्रिपोराइट स्टोन केनाल, रेडियल केनाल्स, रिंग केनाल, टेडमेंट्स बॉडीज, पोलियन वेस्टिकल, लेटरल केनाल्स, ट्यूब फीट। देखते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश। इन कॉन्सिस्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा में मूवमेंट लोकोमोशन करने का मेथड होता है, वह हाइड्रोस्टैटिक टाइप का होता है। स्टार फिश को मेन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, स्टार फिश दो मेन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। उसका पहला पार्ट होता है सेंट्रल डिस्क, जो मिडिल पार्ट होता है वो सर्कल के फॉर्म में होता है। आर्म्स होते हैं, ये सर्कल से अलग अलग साइड में फाइव आर्म निकली हुई होती है, जिन्हें आर्म्स कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम मेनली स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, इनका वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूवमेंट के लिए रोल प्ले करते हैं। फिर है मॉड्रिपोराइट्स, अबाउट 250 पोर्स। मॉड्रिपोराइट्स स्टार फिश का सेंट्रल पार्ट होता है, वह जिनमें पांच एंगल बने होते हैं और हर एंगल में एक आर्म निकली हुई होती है। ये पेंटा टाइप का होता है, इसलिए इसको पेंटागोनल रिंग केनाल कहते हैं, जो इसका सेंट्रल पार्ट हो गया। इन दो आर्म के बीच इंथ्रेट्स स्पेस पाए जाते हैं। मेड्रिपोराइट्स रिंग के ऊपर ओरल सरफेस एंड सेकेंड डोर्सल सरफेस होते हैं। ओरल सरफेस के साइड मुंह खुला रहता है और डोर्सल साइड तरफ मॉड्रिपोराइट्स पाए जाते हैं, और इनके बीच एक नलिका केनाल के रूप में जुड़ा हुआ होता है और सेंटर में एक डिस्क के रूप में रहता है गोल गोल, जो इसकी डोर्सल सरफेस के साइड में होता है। मॉड्रिपोराइट सेंट्रल का पार्ट होता है, जिसमें 250 पोर्स पाए जाते हैं, जिनसे वाटर स्टार फिश के अंदर प्रवेश करता है। अब फिर वाटर एंटर करके स्टोन केनाल में खुलती है, जो नलिका टाइप से केनाल होती है, और यह नलिका एस शेप से होती है। अब वाटर स्टोन केनाल से रिंग केनाल में खुलती है और वह आगे रेडियल केनाल में खुलती है। फाइव आर्म में निकली हुई जो नलिका है उसे रेडियल केनाल कहते हैं। रेडियल केनाल से होते हैं वह लेटरल केनाल में खुलती है, जो रेडियल केनाल और ट्यूब फिट को जोड़ता है, उसे हम लेटरल केनाल कहते हैं। अब यह लेटरल केनाल आगे ओपन होता है ट्यूब फिट के एम्प्यूला पार्ट में। फिर है पोलन वेसिकल, इनका स्टार फिश में ज़्यादा रोल नहीं होता है, बट बाकी जो इकाइनोडर्मेटा वाटर के प्रेशर को मेंटेनेंस
करके रखते हैं। रिंग कैनाल के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है, उसे टिडमिन्स बॉडी कहते हैं। जब वाटर लेटरल केनाल में आ जाती है, फिर लेटरल केनाल ट्यूब फीट में ओपन होती है और ऊपर का फूला हुआ भाग एम्प्यूला और बीच का पार्ट को पोडियम और नीचे के भाग को सुकर्स कहते हैं। रेडियल केनाल का लास्ट पार्ट टर्मिनल स्पाइन कहते हैं। जब वाटर ट्यूब फीट के अंदर आ जाता है और फिर से होल बंद हो जाएगा और एम्प्यूला में प्रेशर बनेगा, तो ये जो पोडियम है इनकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो ये नीचे सरफेस में टच हो जाएगा और इसके बाद ये सुकर से चिपक जाती है। और जिस तरह स्टारफिश मूव करना होता है, आर्म के थ्रू करते जाते हैं। फिर वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द सी स्टार, तो इसमें जो सी स्टार होता है उसका जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है उसको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। और इसमें उसके एक एक पार्ट का जो नोमेनक्लेचर है वो किया गया है। तो आप लोग ये जो स्ट्रक्चर है इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये केवल अंदर के पार्ट का स्ट्रक्चर है, तो इसको भी आप लोग बनाएंगे, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश। देखेंगे कंक्लूजन। इकाइनोडर्मेटम वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनका मेन इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, जो लोकोमोशन, रेस्पायरेशन, फूड कैप्चर के लिए यूजफुल है। इन एनिमल्स में वाटर वैस्कुलर सिस्टम के कारण लोकोमोशन पॉसिबल होता है, जिसे हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। यानी कि जो लोकोमोशन होता है उसे ही हम लोग हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग क्लास में वेव्स की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, बट बहुत हद तक ये समान होते हैं, कुछ संरचनाओं में ही भिन्नता होती है। और लास्ट में देखेंगे हम लोग रेफरेंस। तो रेफरेंस है इसमें इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय आरएल कोटपाल और इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय ईजेडब्ल्यू बैरिंगटन और बाइनेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।